তুমি কি আমাকে 17 কোটি টাকা দিবে? পাহাড়ের উপরে চলেছি কেবল কারে, কিন্তু সাগরের উপরে চলা হয়নি। তো এই জার্নিটা আমরা উপভোগ করতে পারি, জার্নি ধর্মীয় কোনো থিম পার্ক হতে পারে। স্বাগতম সবাইকে বিচ রিঅ্যাকশনে। আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আবারও নতুন আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা দেখব হচ্ছে ইন্ডিয়ার মেগা প্রজেক্ট যেগুলো হচ্ছে সামনে আসছে। আর এই ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে টপ আপকামিং মেগা প্রজেক্ট ইন ইন্ডিয়া। আর আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল আননোন মিস্টেরিয়াস হিন্দি থেকে। আমাদের ভিডিওর নিচে ওনাদের ভিডিওটির ডেসক্রিপশন দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে ওখান থেকেও দেখে নিতে পারেন আমাদের অরিজিনাল ভিডিওটি। তো চলুন সবাই মিলে দেখে আসি ভিডিওটি। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत तेजी से विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। बढ़ती इकोनॉमी में देश की स्थिति काफी तेजी से बदल रही है। बदलाव के इस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स तो कम्प्लीट भी हो गए हैं, लेकिन कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर अभी काम चल रहा है और अगले कुछ सालों में इसके तैयार हो जाने की उम्मीद है। इन मेगा प्रोजेक्ट्स से न सिर्फ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगी बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी काफी आसान हो जाएगी। इन मेगा प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं भारत के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। नंबर 1, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर IICC। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर भारत का पहला वर्ल्ड क्लास वेन्यू होने वाला है, जहाँ बड़े से बड़े शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है। IICC प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। 2018 में दिल्ली में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का फेज 1 लगभग कंप्लीट हो चुका है और दूसरे फेज में बाकी का काम भी चालू है जो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। IICC में इंटरनेशनल लेवल की सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। एग्जीबिशन सेंटर को 90 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है और इसका कुल बजट 25,700 करोड़ रुपए है। एग्जीबिशन सेंटर के एरिया में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसमें 3 5-star होटल्स, 4 4-star होटल्स, 2 3-star होटल्स, सर्विस अपार्टमेंट्स, रिटेल स्पेस, कमर्शियल स्पेस और अरीना इत्यादि सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगे। एग्जीबिशन सेंटर के पार्किंग स्पेस में एक साथ 30,000 कार पार्क करने की क्षमता होगी। IICC के कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें कई इंपॉर्टेंट समिट्स का आयोजन किया जा सकेगा। ग्लोबल कन्वेंशन के अलावा प्राइवेट सेक्टर के एग्जीबिशन इवेंट्स का आयोजन भी IICC में किया जा सकेगा। बता दें कि IIC का कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टर्बो कंपनी को मिला है। नंबर 2, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली। दिल्ली के नौरोजी नगर की सूरत बहुत जल्द बदलने वाली है, क्योंकि इस शहर में मेगा प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है। राजधानी क्षेत्र में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क से लाइसेंस प्राप्त पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा। नौरोजी नगर में रिंग रोड के पास इसके कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। यहाँ पर 12 बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और सभी बिल्डिंग को खास डिजाइन में तैयार किया जा रहा है और ये सभी बिल्डिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक ही छत के नीचे बिजनेस की सारी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। इसे 25 एकड़ में बनाया जा रहा है। ऑफिस स्पेस के लिए 30 लाख स्क्वायर फीट जगह अवेलेबल होगा। यहाँ पर एक साथ 30,000 लोग काम कर सकते हैं और 8,000 कार एक साथ पार्क की जा सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बिजनेस के लिए आवश्यक A to Z फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी और इसमें कल्चरल एक्टिविटीज, हेल्थ सेंटर और ऑडिटोरियम इत्यादि के लिए अलग से डेडिकेटेड स्पेस होगा। नंबर 3, द 42 कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जवाहरलाल नेहरू रोड पर देश की सबसे ऊंची इमारत द 42 चौरंगी बनकर तैयार हो गई है। इस गगनचुंबी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की ऊंचाई 249 मीटर यानी 817 फीट है और इसमें कुल 65 फ्लोर्स हैं। कोलकाता की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ ही द 42 इंडिया की चौथी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है। इसने देश की एक सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत मुंबई की इंपीरियल बिल्डिंग को पीछे छोड़ दिया है। इसके कंस्ट्रक्शन का काम 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन किसी वजह से 2 साल तक काम रुका रहा। 2010 में काम रीस्टार्ट हुआ और 2019 में बिल्डिंग पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग की डिजाइनिंग हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने की है और डेवलपर मनी ग्रुप, सलार पुरिया सत्वा ग्रुप, डायमंड ग्रुप और अल्कोव रियलिटी है। द 42 में 56 अल्ट्रा लग्जूरियस फ्लैट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा बाकी फ्लैट्स भी सभी लग्जरी सुविधाओं से लैस हैं। इसके शुरुआती 3 फ्लोर पार्किंग के हैं। इमारत के सामने बड़ा मैदान है और उससे आगे हुगली नदी मदमस्त होकर बहती दिखती है। द 42 में फ्लैट की शुरुआती कीमत 17 करोड़ रुपए है।
यदि ऊंचे बिल्डिंग में रहना है तो फिर आप भी अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। नंबर 4, सुपरनोवा स्पाइरा। दोस्तों ये है सुपरनोवा स्पाइरा स्काईस्क्रैपर, जो कंप्लीट होने के बाद इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। इसे नोएडा में अमिटी यूनिवर्सिटी के पास बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम 2012 में शुरू हुआ, 2021 तक तैयार हो जाएगा। इस बिल्डिंग को रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के तौर पर बनाया जा रहा है। लग्जरी होटल, लग्जरी अपार्टमेंट के अलावा वर्ल्ड क्लास ऑफिस भी इस बिल्डिंग में बनाया जाएगा। बिल्डिंग की ऊंचाई 300 मीटर यानी 984 फीट होगी और इसमें 80 फ्लोर्स होंगे। सुपरनोवा स्पाइरा को सुपरटेक नाम की कंपनी डेवलप कर रही है। कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है। बिल्डिंग की डिजाइनिंग आर्किटेक्ट कंपनी मोडार्क इंडिया ने की है और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम ब्यूरो हैपल इंजीनियरिंग कंपनी संभाल रही है। इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग में सभी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेंगे। लॉकडाउन नंबर 5, मुंबई रोपवे प्रोजेक्ट। दोस्तों क्या आपने कभी रोपवे की सवारी की है? अगर नहीं तो मुंबई में आपको इसका लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा, जहां देश के सबसे लंबे रोपवे को बनाने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये रोपवे समुद्र के ऊपर बनने वाला देश का पहला रोपवे और सबसे लंबा रोपवे होगा। रोपवे मुंबई के सिउरी से रायगढ़ जिले में स्थित ऐतिहासिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंट केव्स को कनेक्ट करेगा। इस रोपवे के तैयार हो जाने के बाद सिउरी से एलिफेंट केव्स के बीच का 8 किलोमीटर का सफर मात्र 14 मिनट में ही पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल इतनी दूरी को पूरा करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और इस समय को देखते हुए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने रोपवे तैयार करने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। 8 किलोमीटर लंबे इस रोपवे में 30 सीट वाली केबल कार लगाई जाएगी। रोपवे सिउरी से स्टार्ट होकर एलिफेंट आइलैंड पे लैंड करेगा और वहां से टूरिस्ट पैदल एलिफेंट केव्स तक जाएंगे। इस सफर के लिए भारतीय टूरिस्ट को 500 रुपए और विदेशी टूरिस्ट को 1000 रुपए देना होगा। इस 8 किलोमीटर के सफर के दौरान रोपवे से टूरिस्ट आसपास के खूबसूरत व्यूज के नजारे भी देख सकेंगे। एलिफेंट केव्स को देखने हर साल लगभग 7 लाख टूरिस्ट आते हैं। रोपवे बन जाने के बाद टूरिस्ट की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। बता दें कि रोपवे बन जाने के बाद इससे सालाना 378 करोड़ रुपए की कमाई होगी। एलिफेंट आइलैंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने की वजह से रोपवे का प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना आवश्यक है। अप्रूवल मिलते ही भारत के सबसे लंबे रोपवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। न्यू जुआरी ब्रिज। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जुआरी नदी के ऊपर बन रहा है। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में 2016 में शुरू हुआ था। इस ब्रिज के तैयार हो जाने के बाद नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। ब्रिज की लंबाई 1225 मीटर और अप्रोच रोड को मिलाकर प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 7 किलोमीटर है। इसका बजट 2700 करोड़ रुपए है। न्यू जुआरी ब्रिज को केबल स्टे ब्रिज के तौर पर बनाया जाएगा। ब्रिज के बीच में दोनों तरफ 110 मीटर ऊंचे टावर बनाए जाएंगे। एक टावर के ऊपर व्यूइंग गैलरी और दूसरे टावर के ऊपर आर्ट गैलरी या म्यूजियम बनाया जाएगा और इन टावर्स के ऊपर जाने के लिए लिफ्ट इंस्टॉल किया जाएगा। नॉर्थ और साउथ गोवा को जोड़ने के साथ ही ये ब्रिज टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेगा। इस 8 लेन वाले ब्रिज को 3 स्टेज में बनाया जा रहा है। फर्स्ट स्टेज का काम इस दिसंबर में पूरा होगा, जबकि दूसरे और तीसरे स्टेज का काम 2022 में पूरा होगा। नंबर 7, कृष्णा लीला थीम पार्क। दोस्तों जल्द ही दिखाई देगा शुद्ध भारतीय विचार पर बना हुआ श्री कृष्ण से प्रभावित कृष्णा लीला थीम पार्क। इस्कॉन कंपनी इस थीम पार्क का निर्माण करवा रही है और इसे बेंगलोर के वैकुंठ हिल पर कनकपुरा रोड के पास बनाया जा रहा है। इस भव्य पार्क को इस तरह बनाया जा रहा है ताकि जब लोग यहाँ घूमने आए तो उन्हें धार्मिक ज्ञान भी प्राप्त हो। ये पूरा पार्क श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है और 700 करोड़ रुपए में बनने वाला ये पार्क 28 एकड़ में फैला हुआ है। पार्क के ग्राउंड लेवल पर श्री पूरी जगन्नाथ मंदिर और श्री राधा कृष्ण मंदिर है। मंदिर के अलावा यहाँ क्लासरूम, ऑडियो वीडियो हॉल, वैदिक लाइब्रेरी, स्टाफ रूम इत्यादि हैं। इन सब के साथ ही पार्क में श्री कृष्ण से जुड़ी हुई ढेर सारी चीजें भी दिखाई गई हैं, जो लोगों को श्री कृष्ण के जीवन और सनातन संस्कृति के महान इतिहास को दर्शाएगी। इस पार्क से नए जनरेशन को भी नए तरीके से धर्म के बारे में सीखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल मंदिर डिजाइन और मॉडर्न आर्किटेक्ट को मिलाकर बनाया गया ये पार्क बहुत ही आकर्षक है। बता दें कि कृष्ण लीला थीम पार्क भारत का पहला धार्मिक पार्क है। नंबर 8, न्यू पंबन ब्रिज। न्यू पंबन ब्रिज रेलवे के मुख्य प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट को तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत रामनाथपुरम जिले के मंदपम शहर और रामेश्वरम के पंबन आइलैंड तक एक रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। इस ब्रिज के बनने के बाद धार्मिक स्थल रामेश्वरम तक का सफर श्रद्धालुओं के लिए काफी आसान हो जाएगा। पंबन आइलैंड तक ब्रिज की लंबाई 2.05 किलोमीटर होगी। इस ब्रिज की खास बात यह है कि ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है।
इस ब्रिज से शिप और स्टीमर्स आसानी से पार कर सकेंगे। इसके लिए ब्रिज का 63 मीटर हिस्सा वर्टिकली ऊपर उठाया जाएगा और शिप्स के पास होने के बाद वापस रेलवे ब्रिज के रूप में सेट हो जाएगा। ब्रिज के लिफ्ट होने के लिए इसमें सेंसर लगाया जाएगा जिससे कि शिप आने पर ब्रिज ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाए। पंबन आइलैंड का कंस्ट्रक्शन 8 नवंबर 2019 को शुरू हो चुका है और अगले 4 साल में ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। ब्रिज को बनाने का टोटल बजट 250 करोड़ रुपए है। डेवलपमेंट का काम रेलवे विकास निगम लिमिटेड की देखरेख में हो रहा है। ब्रिज के कंप्लीट हो जाने के बाद 1964 के बाद इस रूट पर पहली बार रेल सेवा शुरू होगी। पुरानी रेलवे ब्रिज 1964 में आए साइक्लोन में बर्बाद हो गया था। नंबर 9, मणिपुर रेलवे ब्रिज। मणिपुर की राजधानी इम्फाल को रेलवे लाइन के द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम तूपल इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 111 किलोमीटर लंबे इस रेलवे लाइन में 184 ब्रिज और 47 सुरंग हैं। 47 सुरंगों में से सबसे लंबे सुरंग की लंबाई 10.28 किलोमीटर है। 148 रेलवे ब्रिज में से मेन ब्रिज की लंबाई 555 मीटर है। इस ब्रिज का बजट 280 करोड़ रुपए है। ये ब्रिज इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज है। इसे मणिपुर के टैमेंगलोंग जिले में इजाई नदी के ऊपर बनाया गया है। ब्रिज की जमीन से ऊंचाई 100 से 141 मीटर तक है। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी शुरू है और 2022 तक कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंडर में चल रहा है। नंबर 10, चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भारत सरकार व्यापार बढ़ाने के लिए बैंगलोर से चेन्नई तक के एक कॉरिडोर का निर्माण करेगी। प्रोजेक्ट से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अगले कुछ महीनों में काम शुरू हो जाएगा। ये कॉरिडोर 560 किलोमीटर तक तीन शहर चेन्नई, बेंगलुरु और चित्रदुर्गा से होते हुए चेन्नई और एन्नोर पोर्ट्स तक जाएगी। कृष्णपत्नम इंडस्ट्रियल नोड आंध्र प्रदेश, पोन्नेरी इंडस्ट्रियल नोड तमिलनाडु और तुमाकुरु इंडस्ट्रियल नोड कर्नाटका इस कॉरिडोर से जुड़ेंगे। इससे सामानों की डिलीवरी में तेजी आएगी और साथ ही ईस्ट इंडिया से भारत का व्यापार भी बढ़ेगा। कॉरिडोर के बन जाने के बाद इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में आने वाले परिवहन खर्च में भी कमी आएगी। दक्षिण भारत के साथ ये कॉरिडोर पूरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। আমরা তো জানি যে ইন্ডিয়াতে আসলে অনেক অনেকগুলো মেগা প্রজেক্ট চলতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেখান থেকে সে 10টা বড় মেগা প্রজেক্ট। হ্যাঁ, তো আমরা তো আসলে সবগুলো সম্বন্ধে জানি না, তবে এখানে যেগুলো দেখানো হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু এই সবগুলো সম্বন্ধে জানতাম না। আমিও না, এবং সবগুলোই আমার কাছে মানে যেহেতু আজকে আমি প্রথম দেখছি তো আমার কাছে সবগুলোই নতুন। তার মধ্যে প্রথম যেটা মোদি সরকার ইনভেস্ট করছে কিংবা ওনারা প্ল্যান করে বানাচ্ছে এক্সিবিশন সেন্টার, এটা কিন্তু হিউজ হিউজ অনেক বড় একটা এক্সিবিশন সেন্টার এবং সেখানে হোটেল থাকছে, থাকার জায়গা থাকছে, তো সব মিলিয়ে এক্সিবিশন সেন্টারটা অনেক সুন্দরই হবে। হ্যাঁ, আর একসঙ্গে সেখানে 20,000 লোক একসঙ্গে বসতে পারবে, 30,000 গাড়ি পার্ক করা, 30,000 গাড়ি পার্কিং করা যাবে। তাছাড়া তো অন্য অনেক ফ্যাসিলিটিজ আছে। এছাড়াও পরে যেটা দেখিয়েছে যে ট্রেড সেন্টার দিল্লিতে, কিন্তু আসলে আমরা সবসময় বাহিরের দেশের ট্রেড সেন্টার গুলো শুনে এসেছি, অনেক বড় বড় ট্রেড সেন্টার থাকে, তো এখানে যদি একটা ওরকম বড় ধরনের ট্রেড সেন্টার এবং ইন্টারন্যাশনাল মানের হয় তাহলে ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি গুলো এখানে ইনভেস্ট করবে, তাদের বিজনেস করবে এবং এখানে বেচা কেনাই হবে, তো সেখানে আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা বড় উদ্যোগ, অনেক বড় একটা উদ্যোগ। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে কলকাতার যে ব্যাপারটা, সবচেয়ে হাইয়েস্ট বিল্ডিং, এটা আসলে আমিও জানি না। তুমি কি আমাকে 17 কোটি টাকা দিবে? আমি থাকলে তোমাকে এখনই দিয়ে দিতাম। যাই হোক, এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অনেক বড় একটা বিল্ডিং এবং পুরোটা অ্যাপার্টমেন্ট, যদিও বা এটা একটা অ্যাপার্টমেন্ট আর অনেক কস্টলি, 17 কোটি টাকা দিয়ে একজন লিভিং থাকা। যাই হোক, আমাদের মধ্যবিত্তদের মতো এগুলো চিন্তা, আমরা একটা আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখতে পারি, এছাড়া কিছু না। না, হয়তো এক সময় তোমার হবে, কিন্তু তখন হয়তো ফ্ল্যাট খালি থাকবে না, এরকমই হবে। আর মুম্বাইয়ের যে ক্যাবল কারটা সেটার জন্য কিন্তু আমি অবশ্যই অপেক্ষা করব এবং ওটা যখনই চালু হবে আমি তখনই যাওয়ার চেষ্টা করব। না, সমুদ্রের উপর দিয়ে আমি কখনো যাইনি, তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা অনেক এক্সাইটমেন্ট একটা ব্যাপার থাকবে যে সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, পাহাড়ের উপরে চড়েছি ক্যাবল কারে, কিন্তু সাগরের উপরে চড়া হয়নি, কিন্তু কখনো এভাবে যাওয়া হয়নি সমুদ্রের উপর দিয়ে। তো এটা সমুদ্র উপরে কোথাও আছে ওরকম আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না, আমিও জানি না। যাই হোক, কিন্তু আমার কাছে খুব এক্সাইটমেন্ট থাকবে যে এটা না সমুদ্র উপর দিয়ে যাওয়া লাগে, এটা অনেক মজা লাগবে আমার কাছে। হ্যাঁ, এবং গোয়ার যে ব্রিজটা সেটাও কিন্তু অনেক সুন্দর, আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় লেগেছে।
তাছাড়া হচ্ছে রামেশ্বরের যে ব্রিজটা, হ্যাঁ রামেশ্বর মন্দিরের যে ব্রিজটা, আসলে এটাও কিন্তু অনেক সুবিধাই দিবে ওখানকার লোকজনের জন্য। কারণ রামেশ্বর মন্দিরে বললো যে প্রায় এক ঘন্টা খানিক লেগে যায় তো হচ্ছে তোমার লঞ্চ বা বোট এই টাইপের যানবাহনে যেতে, তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এটা ট্রেনে যাওয়াতে অনেক সুবিধাই হয় এবং সময় অনেক কমে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ট্রেনটাকে কিন্তু সে উপর নিচে করতে, রেল লাইনটাকে উপর নিচে করতে হচ্ছে, লিফটিং করতে পারছে, তো এখানে আসলে জাহাজ চলাচলে বাধা থাকছে না। সর্বোপরি মণিপুরের যেটা ইম্পালের ট্রেন লাইন যেটা হচ্ছে, অনেকগুলো টানেল এবং উঁচু ব্রিজ, এটা চালু হওয়ার পর আমি অফকোর্স যাব, অফকোর্স যাব, কেননা এটা আগরতলা দিয়ে যাওয়াটা আমার জন্য খুব ইজি। এবং আগরতলা থেকে ইম্পালও মোটামুটি একটা কাছের ডিস্টেন্স, তো এই জার্নিটা আমরা উপভোগ করতে পারি। এই জার্নিটা করা হবে তো একটা উপভোগ্য জিনিস হবে, তো অবশ্যই এখানে আমার মনে হয় যখন খুলে দেবে তখন যাওয়া উচিত, দেখা উচিত, আর মানুষের লাইফে কিছু না কিছু এক্সপিরিয়েন্স করা উচিত এগুলো। আর যারা এই ধরনের ট্যুরিজমে এক্সপেরিমেন্ট করতে চায় বা পছন্দ করে তাদের জন্য এটা অনেক বড় একটা অপরচুনিটি। আর এসব প্রজেক্টগুলো সবগুলোই আসলে ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হয় যেটা হচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী নিয়ে যে একটা মন্দির তৈরি করছে ওটা কিন্তু অনেক বড় একটা প্রজেক্ট। সেটা হচ্ছে থিম পার্ক। হ্যাঁ, এটা আসলে কখনো কোনো জায়গাতে আমরা কিন্তু এরকম শুনিনি যে ধর্মীয় কোনো থিম পার্ক হতে পারে, তো এখানে এটা একটা এক্সেপশনাল জিনিস ছিল যে ধর্মীয় একটা থিম পার্ক হচ্ছে এবং সেখানে এডুকেশন সিস্টেম থাকবে, সেখানে ভিডিও দেখার সিস্টেম থাকবে এবং অনেক ট্যুরিস্টের ব্যাপার স্যাপার থাকবে, তো মনে হয় যে এই জায়গাটাও অনেক ভালো একটা কিছু হবে। তো প্ল্যান ওয়াইজ আমার কাছে মনে হচ্ছে এই যে মেগা প্রজেক্ট, এই মেগা প্রজেক্টগুলো অবশ্যই খুবই প্রয়োজনীয় প্রজেক্ট। হ্যাঁ, এবং যে করিডোর বানানো হচ্ছে সেই করিডোরটাও খুবই প্রয়োজন, কেননা হচ্ছে এখনকার যুগে রাস্তায় যে ধরনের ট্রাফিক পাওয়া যায়, যদি এই ধরনের করিডোর সিস্টেম চালু হয় তাহলে আসলে যখন পণ্য পরিবহন করা হবে তখন অনেক সময় বেঁচে যাবে এবং তাতে কিন্তু আমরাই লাভবান হব। হ্যাঁ, এবং সাধারণ জনগণ লাভবান হবে। তো ওভারঅল সবগুলো প্রজেক্টই আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে। আর আমার কাছে মনে হয় যে এই প্রজেক্টগুলো সবগুলো যখন চালু হয়ে যাবে তখন ইন্ডিয়ার অবস্থা আরও অনেক উপরের দিকে উঠবে, কারণ এটা ইকোনমিতে অনেক বড় ইফেক্ট করবে আর যার কারণে তাদের লাইফ স্টাইলও অনেক কিছু চেঞ্জ হবে, তো আমার কাছে মনে হয় এগুলো দ্রুত দ্রুত হয়ে যাওয়া উচিত। তো ওভারঅল আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে, আর যদি আজকে আমাদের রিয়েকশনটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করে কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আপনারা আমাদের সঙ্গে দেখতে চান। তো আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।